नमस्कार साथियों, यूपीपीसीएस स्पेशल क्लासेज लखनऊ के यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर ऑनलाइन स्पेशल क्लासेज में मैं दिवाकर गुप्ता आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 20 ईयर सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के चार चार वीडियोस समाप्त कर दिए थे, तो आज से मैं प्राचीन भारतीय इतिहास प्लस मध्यकालीन भारतीय इतिहास दोनों की 20 साल के प्रीसीएस प्री के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें 1995 से लेकर और 2016 तक पीसीएस प्री और समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्रों में जितने भी क्वेश्चन इतिहास से आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़कर सभी को लेंगे और सभी का ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन भी जानेंगे। चूँकि पेपर की डेट पीसीएस प्री की आ चुकी है, 24 सितंबर आयोग द्वारा निर्धारित कर दी गई है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महत्व बढ़ जाता है और ये हमको तैयारी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज 1995 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। हम लोग जानते हैं कि चार वेद होते हैं कुल, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। उसके बाद उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। ये उड़ीसा में स्थित हैं और यहाँ पर उड़ीसा में दो तीन मंदिर और भी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क में सूर्य मंदिर है। तो इन सब की रचना शैली के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सभी नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। नागर शैली जो स्थापत्य का एक शैली है बहुत प्रसिद्ध, तो नागर शैली के द्वारा उड़ीसा के सारे मंदिर बने हुए हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है भगवान विष्णु का मंदिर है, ये विश्व का विशालतम मंदिर है जो कि कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया को प्राचीन समय में कंबोज कहते थे, कंबोज राज्य का ये राजवंश का हिस्सा था और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, तो कंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी क्या है? तो महाराजा रणजीत सिंह जो है सिखों के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं और इनके राज की राजधानी लाहौर थी। और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में क्वेश्चन और आता है कि ये किस मिसल से संबंधित थे। मिसल का तात्पर्य यहाँ पर जाति से है, तो महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के राजा थे। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो जो ऑप्शंस थे उसमें चैतन्य महाप्रभु सही होगा। तो मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु का कार्यकाल जीवन काल जो है सिमिलर था। तो मीराबाई के बारे में अगर देखें तो 1499 से 1546 तक इनका जीवन वृत्त है और चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 तक, तो दोनों समकालीन थे। बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो बाबरनामा बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा जो लिखी गई है उसका नाम है पुस्तक का। तो इसमें बाबर ने दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, एक तो मेवाड़ है, एक विजयनगर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेवाड़ सही हुआ, लेकिन ये भी आप जानिए कि विजयनगर राज्य का भी उल्लेख बाबरनामा नामक पुस्तक में बाबर द्वारा किया गया है। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध से मानी जाती है? तो तरायण का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1191-92 में, तरायण का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था और भगा दिया था।
उसके बाद एक साल बाद पुनः मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था भारत पर, तब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध से हुई थी, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण एवं उसमें अध्ययन किया? तो वेन शांग एक चीनी यात्री था जो भारत में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक रखकर उसने अध्ययन किया था। वेन शांग जब भारत में आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम था सीलभद्र। तो वेन सांग ने सीलभद्र से जो है शिक्षा ग्रहण की थी 18 महीने तक, और वेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा था कि सत्य एवं धर्म का भंडार है, ये यहाँ पर सत्य एवं धर्म का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित कौन सा स्थान है? तो जो ऑप्शंस थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है, इनमें से लोथल जो है वो भारत में स्थित है और भारत में गुजरात में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक उन्नत बंदरगाह था जहाँ से जो है समुद्री व्यापार किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर लोथल होगा जो भारत में स्थित है। अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि किसे दी गई? तो मोहम्मद हुसैन नामक लेखक था अकबर के दरबार में, जिसकी राइटिंग या जिसकी लेखनी बहुत ही सुंदर थी, तो उससे प्रभावित होकर अकबर द्वारा उसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी। हर्ष के समय की सूचनाएं कैसे प्राप्त होती हैं? तो राजा हर्ष के समय की सूचनाएं उस समय के एक महाग्रंथ हर्ष चरित्र से प्राप्त होती हैं, और हर्ष चरित्र किसके बाणभट्ट द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। मुगलकालीन भारत में राज की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? मुगलकालीन भारत में भू राजस्व जो था, जो लगान वसूला जाता था, कृषि पे कर वसूला जाता था, वही जो है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। तो इसका सही आंसर जो है भू राजस्व होगा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की थी। तो हसन गंगू द्वारा 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। उसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ था, इसीलिए वह हसन गंगू नामक नाम से जाना जाता था, और जबकि उसका असली नाम था अलाउद्दीन हसन। हसन गंगू का वास्तविक नाम अलाउद्दीन हसन था, परंतु वो गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहता था, इसीलिए बाद में उसे हसन गंगू कहा गया। अष्ट प्रधान किसका मंत्रिमंडल था? तो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का जो शासन था उसमें अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल होता था, जिसमें 8 सचिव होते थे उनके। इन्हीं 8ों सचिवों को सम्मिलित रूप से अष्ट प्रधान कहते थे। इसमें से पेशवा जो वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है, अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, जिसको वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। वाकियानीस वो होता था जो राजा के दैनिक कार्यों का विवरण लिखता था, उसको नोट करके रखता था। फिर सुरूनवीस ये राजकीय पत्रों की भाषा शैली का परीक्षण करता था। जो भी राज्य में पत्राचार होता था उसकी जो पत्र की भाषा होती थी उसका परीक्षण का काम सुरूनवीस करता था। 5वें नंबर पे सुमंत सचिव होता था, जिसको जिसका कार्य विदेश मंत्री की तरह था। फिर सरे नौबत सेना का अध्यक्ष होता था, सेनापति कहलाता था। पंडित राव दानाध्यक्ष होता था, जो दान विभाग था उसका अध्यक्ष होता था वो। और 8वें नंबर पर न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार जो शिवाजी का शासन था उसमें जो मंत्रिमंडल था वो 8 सचिवों से मिलकर बना होता था, जिनको अष्ट प्रधान कहते थे। अमीर खुसरो किसके
दरबारी कवि था। तो अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और अमीर खुसरो के बारे में और खासियत ये है कि इसने 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अमीर खुसरो के जन्म से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया, तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली नामक स्थान जो जनपद एटा उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर हुआ था। और ये पहला मुस्लिम लेखक था जिसने हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया। इसको खली बोली का जनक भी कहते हैं, तोताए हिंद नाम से इसको उपाधि भी दी गई है। तो इस तरह से अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि था। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो चोलों का प्रशासन था उसमें ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता से मतलब जो आज का पंचायती राज का सिस्टम है उसी तरह से गांव का प्रशासन एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाता था। तो यही चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वहाँ पर ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। अंग्रेज व फ्रांसीसी जब भारत में 17वीं 18वीं शताब्दी में इनमें वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, तो 3 बार युद्ध हुए, 3 कर्नाटक युद्ध हुए वो अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें अंततः अंग्रेजों की विजय हुई। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे। तो मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता संत विज्ञानेश्वर थे। विज्ञानेश्वर का नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ मिताक्षरा लिखी गई है। तो विज्ञानेश्वर मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे। अब 1996 से क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध में प्रथम बार एक पक्ष द्वारा तोपों का प्रयोग, तो पहली बार भारत में तोपखाने का प्रयोग जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर द्वारा पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? तो 2 अशोक स्तंभ थे जो टोपरा और मेरठ में स्थित थे। इन अशोक स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था और उसने दिल्ली में स्थापित कराया था। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया गया था। फिर सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलन कौन सा नहीं है? कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा हरियाणा में ना स्थित होकर राजस्थान में स्थित है, इसलिए ये युग्म सुमेलित नहीं था। तो हमको याद रखना है कि कालीबंगा नामक जो सैंधो सभ्यता का स्थल है ये राजस्थान में स्थित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल कहाँ पर स्थित है? तो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल मध्य प्रदेश में स्थित है, सोनगिरी नामक पहाड़ी पर। तो ये हमको याद रखना, ये जैन धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है सोनगिरी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। स्थान भी याद रखना है कि 570 ईस्वी में मक्का में जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों का विश्वास है, मतलब वो चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के सिद्धांतों में जो कॉमन है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत, दोनों ही धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को जो है सही माना गया है। बाकी अन्य मतभेद हैं लेकिन कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही माना गया है। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास द्वारा की गई है। गुरु रामदास कौन थे? सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। और गुरु रामदास को अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन प्राप्त हुई थी जिस पर उन्होंने आगे चलकर अमृतसर नामक शहर बसाया। और यहीं पर स्वर्ण मंदिर स्थित है जो सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। गांधार शैली संश्लेषण है, तो गांधार शैली के बारे में यहाँ बताना है कि किन किन दो शैलियों
किन किन दो भारतीय शैलियों से गांधार? तो भारतीय तथा यूनानी कला, भारतीय तथा यूनानी कला का जो मिक्स है, संश्लेषण है, उसको हम गांधार कला शैली कहते हैं। गांधार कला शैली के बारे में अगर पूछा जाए कि इससे क्या चीज़ें पाई गई हैं बनी हुई, तो भगवान बुद्ध के जन्म से और भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी भारत में मूर्तियां पाई गई हैं, अधिकांश मूर्तियां जो है गांधार शैली कला से बनी हुई हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। वहाँ से ज़्यादा कोई अभिलेख या उस तरह की चीज़ें नहीं मिली हैं पढ़ने लायक, और जो लेख मिले भी हैं तो वो अपठनीय हैं, अभी तक उसकी भाषा नहीं पढ़ी जा सकी है। तो पुरातात्विक खुदाई ही जो है उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो पहले तो हम ये जान लें कि जो ऐतिहासिक काल होता है प्राचीन, उसको हम तीन भागों में बांट कर सकते हैं अध्ययन की स्थिति सुविधा से। इसमें पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, या जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके बारे में कोई भी अभिलेख या कोई भी साक्ष्य लिखित रूप से उपस्थित नहीं है। फिर दूसरा कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसमें ऐसी अवधि का होता है जिसके पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं परंतु ये पठनीय नहीं है। इसके बाद आ जाता है कि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वो युग होता है जिनके अभिलेख जो है पठनीय हैं और उनके बारे में प्रचुर मात्रा में साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। बोगाज कुई क्यों महत्वपूर्ण है? इसका क्या महत्व है इतिहास में? तो बोगाज कुई एक मध्य एशिया में स्थान है जहाँ से ऐसे अभिलेख पाए गए हैं जिनमें प्राचीन वैदिक कालीन देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। इन वैदिक देवताओं में मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहते हैं, इन चार वैदिक प्राचीन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। और ये बोगाज कुई जो है मध्य एशिया से प्राप्त प्राचीन अभिलेख हैं। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा आर्यों की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है, पुस्तक पूरी लिखी गई है। बाल गंगाधर तिलक का ये विचार था कि आर्य जो हैं वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे और उत्तरी ध्रुव से वो भारत में आए थे। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है जिसकी रचना नागसेन द्वारा, नागसेन कौन था? नागसेन एक बौद्ध विद्वान था और उसने यवन शासक मेनांडर से जो है जो प्रश्नोत्तर किया था उसी को उसने मिलिंद पन्हो नामक एक पाली ग्रंथ में लिखा है। रज्जुक कौन होते थे? तो रज्जुक जो है मौर्य शासन के अधिकारी होते थे। ये इनका अगर कार्य की बात करें तो ये सेटलमेंट ऑफिसर या बंदोबस्त अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करते हैं और राजस्व का जो है पूरा लेखा जोखा रखते हैं, उस तरह का इनका कार्य था। यानी राजस्व विभाग का मुखिया होता था रज्जुक मौर्य शासन में। भाग और बलि ये क्या होते थे? तो भाग और बलि दो शब्द हैं जो प्राचीन इतिहास में प्रयुक्त हुए हैं। तो इसमें राजस्व के स्रोत होते थे, भाग और बलि जो है राजस्व के स्रोत होते थे। जो भी राजस्व वसूला जाता था उसमें जो पार्ट्स होते थे उनको भाग और बलि के रूप में व्यक्त किया जाता था, उनकी नापने की इकाई हम इसे कह सकते हैं। तो भाग और बलि राजस्व के स्रोत होते थे। सर्व कर क्या होता था? तो प्राचीन समय में जो सिंचाई पर कर लगता था, अगर कोई भी सरकारी पानी यूज करता था, यानी राजा के द्वारा बनाई गई नहर से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करता था, तो उसको अपनी उपज का 1/10 भाग जो है देना पड़ता था कर के रूप में। इसी कर को सर्व कर कहते थे। और
ये सर्व कर जो है फिरोज बिन तुगलक द्वारा लगाया गया था, सिंचाई पर कर लगाया गया था। आजीवक समुदाय के संस्थापक कौन था? तो मखली गोसाल नामक व्यक्ति थे जो है वो आजीवक समुदाय के संस्थापक माने जाते हैं। मखली गोसाल जो थे ये पहले महावीर स्वामी के शिष्य थे, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के शिष्य थे। परंतु उनसे मतभेद हो जाने पर ये अलग होकर इन्होंने अपने एक अलग संप्रदाय की स्थापना की। और आजीवक संप्रदाय के बारे में और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका सिद्धांत क्या था, तो आजीवक समुदाय के लोग जो है भाग्यवादी होते थे, या नियतिवादी उनको कह सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो मानते थे कि संसार में जो कुछ हो रहा है या आगे होगा वो सब पहले से ही लिखित है और वो भाग्य द्वारा डिसाइड होता है, ना कि कर्म द्वारा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो कर्म में विश्वास नहीं रखते थे आजीवक संप्रदाय के लोग। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में सिद्ध करने वाला अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख पाया गया है वो प्रमाणित करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। और इसी में बताया गया है कि सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य को सुदर्शन नामक एक झील का निर्माण करने का आदेश दिया गया था। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम हैं? तो पहले तो हम ये जान लें कि जब बौद्ध भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके बाद उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनकी शिक्षाओं को 3 पिटकों में लिखा था अलग-अलग। तो उनको विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिदम्भ पिटक 3 पिटकों में लिखा था, जिसमें से विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन के आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह हुआ करता था। यानी विनय पिटक जो है वो संघ जीवन के नियमों से संबंधित है। इसके अलावा सुत्त पिटक जो था, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उनके उपदेशों का संग्रह है। उसके बाद आखिरी जो है अधिदम्भ पिटक जो है वो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो इस प्रकार से प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि संघ जीवन के जो नियम हैं वो विनय पिटक में संकलित हैं। खजुराहो का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो खजुराहो का मंदिर जो है चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। अब 1907 के क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्थान त्रयी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी के बारे में जानते हैं कि वेदांत दर्शन के 3 आधार बताए गए हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। कौन कौन से? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, इन्हें ही वेदांत दर्शन के प्रस्थान त्रयी कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भागवत दिया है ये इसमें सम्मिलित नहीं है। भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र 3 जो है जो वेदांत हैं ये प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित होते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है, जिसमें कर्म की प्रधानता पे बल दिया गया है। और भारतीय दर्शन के इतिहास में 2 मीमांसा दर्शन का उल्लेख मिलता है, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। कालांतर में इन विचारधाराओं को मीमांसा और वेदांत के रूप में पहचाना जाने लगा। मीमांसा जो होते हैं ये वेदों के कर्मकांड पर आधारित हैं, जिसके कारण इसे कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो चावल या धान कह सकते हैं, जो अभी तक के पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिसमें से कोलडिहवा के उत्खनन में सबसे महत्वपूर्ण जो है धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जो 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के लगते हैं,
स्रोत उन पता चला है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने तथा भूसी एवं पुआल के अवशेष चिपके हुए मिले हैं, तो जिससे वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है धान या चावल था। फिर सुमेलित नहीं है, तो राजा राम मोहन राय द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की गई थी, राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से ये जो है युग्म सुमेलित नहीं है। देसी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो ये देसी राज्यों में यथावत समझौते का पक्षधर हैदराबाद था। अर्धनारीश्वर मूर्ति, जो शिव जी से संबंधित मूर्ति होती है भगवान शिव की, जिसको अर्धनारीश्वर मूर्ति का रूप कहते हैं, में आधा पुरुष तथा आधा पार्वती का प्रतीक क्या है? तो इसका जो प्रतीक का है उसका जो विवरण देते हैं कि देव और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर की मूर्ति में भगवान शिव आधे आधे आधा आधा पार्ट भगवान शिव का है, आधा पार्ट भगवान माता पार्वती का है। तो इसको देव देवता और उसकी शक्ति का योग कहा जाता है। सुमेलित नहीं है हरिषेण। हरिषेण हर्ष के दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि ये समुद्रगुप्त का राज कवि था। हरिषेण जो है समुद्रगुप्त का राज कवि था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की, इसकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। जवाबित क्या थे? तो मुगल काल में जवाबित जो है राज कानून, राज के कानूनों को जवाबित बोलते थे। फिर सुमेलन करना था, तो अकबर से सुमेलित है आइने दैसाला। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा चलवाई थी। इल्तुतमिश चलगहनी अमीर ये, और शेरशाह सूरी को सड़क आजम कहते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी के द्वारा जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। तो इस तरह से इसका सुमेलन है। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। कारण दिया है प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो कथन सही है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है कि जो शिवाजी का मंत्रिपरिषद था उसे अष्ट प्रधान कहते थे, जिसमें 8 सचिव होते थे, लेकिन प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। ये कारण गलत है, वहाँ पर किसी को स्वतंत्रता नहीं थी, जो था वो मंत्रिपरिषद का पूरा जो है सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता था। इस तरह से कथन सही है और कारण गलत है। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक वंश जो था, तुगलक वंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। रणजीत सिंह किस मिसल संबंधित थे? मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में इसका डिस्क्रिप्शन बताया था कि रणजीत सिंह मिसल से संबंधित, मतलब उनकी जात से संबंधित है। तो सुकर चकिया मिसल एक थी जिससे संबंधित हैं रणजी राजा रणजीत सिंह। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, ये एक अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजी शासन की। तो ये जॉन लॉरेंस से संबंधित है। लॉर्ड एलनबरो के काल से आरंभ होकर लॉर्ड नॉर्टक्रूक के वायसराय काल तक अंग्रेज अफगान संबंध को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को जॉन लॉरेंस के नाम संबंधित किया जाता है, क्योंकि जब वो वायसराय था तो इसी नीति का अनुसरण करने के कारण उसको स्पष्ट अवसर मिला। तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस से संबंधित है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में है? तो कठियावाड़ के रुद्रदामन का जो अभिलेख है उसमें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है मिलता है। तोलक पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोलक पियम ग्रंथ जो है व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, जिसकी रचना का श्रेय अगस्त ऋषि मुनि को जाता है। अगस्त ऋषि द्वारा इस तोलक पियम ग्रंथ की रचना की गई थी।
और द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में जब किया गया था तब इसकी रचना हुई थी। कौन सा बंदरगाह पोड़ु के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो अरिकामेडु जो है एक बंदरगाह था प्राचीन, जहाँ जिसके अवशेष मिले हैं। तो ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है उससे संबंधित, जिसका कोई भी लेखक अभी ज्ञात नहीं है। ये अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई है और ये प्रथम शताब्दी की रचना थी। इसमें भारत और रोम के बीच जो है व्यापारिक संबंधों के बारे में लिखा गया है। तो उस लेखक द्वारा अरिकामेडु जो बंदरगाह था उसका विवरण पेडुका और कोरके नाम से किया गया है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिरों की शैली क्या है? मैंने अभी पीछे बताया था आपका कि उड़ीसा में जितने भी मंदिर हैं वो सब नागर शैली के हैं। तो जिसमें से कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो भी नागर शैली में है। तो भुवनेश्वर पुरी जो मंदिर हैं इनका इस नागर शैली में बने हुए हैं। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति अभियान थे, ये कथन है, ये एक सत्य है। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कारण गलत है, क्योंकि वो दक्षिणी राज्यों को कब्जे में नहीं करना चाहता था। उसका केवल इरादा वहाँ लूटपाट करके वहाँ से धन प्राप्त करना था। इस प्रकार कथन सही है और कारण गलत है। अब हम सुमेलन देखते हैं। जियाउद्दीन बरनी के द्वारा तारीखे फिरोजशाही लिखी गई है। हसन निजामी के द्वारा ताजुल मासिर लिखी गई है। मिनहाज उर सिराज के द्वारा तबकाते नासरी लिखी गई है। और याहया बिन अहमद सरहिंदी इसके द्वारा तारीखे मुबारक शाही लिखी गई है। थोड़ा ये उर्दू के किताबें हैं, इनके नाम कठिन हैं, इसलिए इनको देखना पड़ेगा 2-3 बार रिपीट करके। तो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा तारीखे फिरोजशाही, हसन निजामी के द्वारा ताजुल मासिर, मिनहाज उर सिराज के द्वारा तबकाते नासिरी और याहया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा तारीखे मुबारक शाही जो है लिखी गई है। कथन और कारण दिया है। कथन में 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। तो कारण बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। और साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे। तो यहाँ पर व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर नहीं करते थे। परिसंघ बन गया था, उसने कई सारे राज्यों को जोड़कर उसका एक परिसंघ बना लिया था। मराठा साम्राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। ये बात कथन सही है, परंतु कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है इसकी। ताम्रपाषाण में काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे? तो ताम्रपाषाण काल से जो साक्ष्य मिले हैं, जो समाधियां मिली हैं, उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर जो है उसको सर और पैर, सर उत्तर की ओर रखते थे और दक्षिण की ओर पैर रख कर उसको दफनाते थे। फिरोज शाह तुगलक, सुमेलन करना है। फिरोज शाह तुगलक का नाम जो है नहरों के निर्माण से जो है संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण कराया गया। बलबन ने नवरोज नामक एक त्यौहार का प्रारंभ किया था भारत में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवाने रियासत शुरू की गई थी प्रथा, और जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो आया था। तो इस प्रकार ये सुमेलन है। अब हमको भारत में जो विदेशी व्यापारी आए थे 15वीं 16वीं शताब्दी में, तो उनके आने का कालक्रम बताना है यूरोपीय आगमन का। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जो ऑप्शंस में वहाँ से पुर्तगालियों का 1498 माना जाता है, डच 1596, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए और फ्रांसीसी 1664 में। तो हमको इस प्रकार क्रम याद रखना है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद जो है उसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन
ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद के बारे में थोड़ा जानते हैं कि सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं और इनमें से मात्र 78 ही नई हैं, बाकी जो है सारी ऋचाएं जो है ऋग्वेद से ही ली गई हैं। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ऋग्वेद के संकलन पर आधारित सामवेद है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल कहा जाता है, क्योंकि इसमें संगीत के बारे में ही जो है पूरा विवरण है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवत संप्रदाय, जो कि वैष्णव धर्म का से भागवत संप्रदाय से ही वैष्णव धर्म का संप्रदाय शुरू हुआ था, तो उन्होंने ही जो है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। अब हम 1998 के क्वेश्चन देखते हैं। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली को क्या कहते थे? तो कपिल मुनि द्वारा जो दर्शन दिया गया था उसको सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन भारत का अत्यंत प्राचीन एवं प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय है, और इसके अलावा पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। जो अन्य विकल्प थे उसमें बता दे रहा हूँ कि जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी थे प्रवर्तक उसके, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम को माना जाता है, और उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत कहते हैं इसके प्रवर्तक वादरायण थे। तो इस तरह से चारों दर्शन हो गए। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा, न्याय दर्शन महर्षि गौतम और उत्तर मीमांसा वादरायण। मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम द्वारा मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा गया है। शून्यता का सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो नागार्जुन जो है एक गणितज्ञ थे और प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनके द्वारा शून्यता का सिद्धांत दिया गया था। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका, इसमें इन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नागार्जुन ने यह स्पष्ट किया कि परम तत्व के विषय में हम अपनी चारों कोटियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अतः उसके विषय में कोई कथन विशेषण युक्ति संगत नहीं है। और इसी में उन्होंने शून्य जिसको शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्वचनीय कहा है, उसी प्रकार नागार्जुन ने इसको शून्य कहा है। तो शून्यता के सिद्धांत का अगर बात होती है तो इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम जो है नागार्जुन ने किया था। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिर, एलोरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, यहाँ के मंदिरों में तीन समूह हैं। प्रथम समूह बौद्ध मंदिरों का है, इसमें बौद्ध मंदिर हैं। दूसरा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, और तीसरा या अंतिम जो है जैन धर्म से। तो राजा कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का भी यहाँ निर्माण कराया था। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो अजंता की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्म से संबंधित जो है शैलकृत मंदिर उपस्थित हैं, जो थोड़े थोड़े अंतराल पे विभिन्न कालों में बने हुए हैं। फिर हमको सुमेलन मिलाना, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तराइन का युद्ध 1192, ये सॉरी तराइन का द्वितीय युद्ध है, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और यहाँ द्वितीय लिखना छूट गया है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध इसके पढ़िए 1192 ईस्वी में, और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। तो फिर से देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, तृतीय युद्ध 1761, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, और असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किस शासक द्वारा की गई थी? तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की नीति किस पर आधारित थी? अकबर द्वारा जो सुलह कुल की नीति अपनाई गई वो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इन तीन नीतियों पर आधारित थी।
राजनैतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता या सहिष्णुता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। किस स्थल पर खुदाई से प्राचीनतम लौह के प्रमाण मिलते हैं? तो अतरंजी खेड़ा नामक स्थान जो है, वहाँ से प्राचीनतम लौह के प्रमाण लोहा पाया गया है। और अभी रिसेंट में न्यूज आई थी कि काशी या बनारस जो है, वहाँ पर भी कोई अभी नवीन खुदाई हुई है जिसमें लोहे के प्रमाण मिले हैं, जो सबसे पुराना माना जा रहा है। लेकिन अभी वो ऑथेंटिक रूप से बुक्स में उसका छपा नहीं है, इसलिए अभी उसको हम नहीं लेते हैं। केवल जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि अगर काशी ऑप्शन में आ जाता है तो काशी भी सही माना जाएगा। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर ने भारत छोड़ा, ये कथन सही है। सिकंदर का 2 वर्ष अभियान चला था भारत में, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो ये कारण में दिया है, कारण गलत है, वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। किस समाज सुधार संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी? तो योग क्षेम सभा जो है, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। द्राविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो गोपुरम जो होते हैं द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनते हैं, उसमें तोरण द्वार के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन, जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं उनमें तोरण जो उसका द्वार, प्रवेश द्वार होता है, उसके ऊपर होते हैं, और उसके ऊपर जो अलंकृत बहुमंजिला भवन होते हैं उसको गोपुरम कहते हैं। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू उत्तराधिकारियों को की नियुक्ति की थी, हिंदू अधिकारियों की, सॉरी, हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो औरंगजेब द्वारा अपने प्रशासन में सर्वप्रथम हिंदू अधिकारियों की सर्वाधिक मात्रा में नियुक्ति की गई थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर जो है चित्रकला के प्रति विशेष अनुराग रखता था, और इसके प्रमुख चित्रकार थे एक अब्दुल हसन थे, एक उस्ताद मंसूर फर्रुख बेग तथा बिशन दास। ये 3 नाम बहुत फेमस मिलते हैं, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर फर्रुख बेग और बिशन दास। तो यहाँ ऑप्शन में मंसूर दिया हुआ है जो कि सही है। ये इनके दरबार में पक्षियों का बहुत बड़ा चित्रकार था। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है कहीं भी वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया गया है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता एवं सामाजिकता कोटि को चुनौती दी है। ये भी सही कथन है कि बौद्ध धर्म में ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक जो है, इसका नायक कौन है? तो उसमें अग्निमित्र नामक जो है एक चरित्र है जो इस नाटक का नायक है। होलियोडोरस या होलियोदेरस जो है, इस द्वारा बेसनगर अभिलेख लिखा गया था बना। तो होलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है? तो होलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है, ये भागवत धर्म से संबंधित है, यानी भगवान वासुदेव से संबंधित है ये। और ये बेसनगर कहाँ पर है? विदिशा, विदिशा में स्थित है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 4 साल के क्वेश्चंस जो है साल किए, और नेक्स्ट सीरीज में आगे भी इसको जारी रखेंगे, पूरा 2016 तक की जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। आप इस वीडियो को सेव करके एक दो बार और जब रिपीट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूरे रट जाएंगे, और प्रीवियस ईयर से अगर ये इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके गलत नहीं होंगे। तो एक और निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पाथफाइंडर को, तो उसको सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इंस्टेंट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। नमस्कार।